सबके एक्साइटमेंट के चक्कर में एक स्कैम भी हुआ है, हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। Hey everyone, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome back to the channel and to this amazing vlog. Thumbnail देख के समझ आ ही गया होगा कि क्या करना है। हम खड़े हैं इस वक्त टाटा शोरूम के बाहर और अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने आए हैं। रिसेंटली कोई ऐसा प्लान नहीं था गाड़ी लेने का, नवरात्रों में सडनली प्लान बना कि एक मतलब बहुत फास्ट में हुई है सारी चीज़। सारी चीजें बहुत जल्दी में प्लान हुई है। बाकी व्लॉग में आगे बताते हैं कि कैसे कैसे क्या प्लान हुआ है। अंदर चलते हैं फिलहाल और प्रोसेसिंग शुरू करवाते हैं। भाई ऐसा कोई प्लान नहीं था गाड़ी लेने का। मावस थी, मावस में हमारे यहाँ देव पितरों का पूज के निकालना होता है, वो मम्मी ने निकाला था। और जो हमारे घर पे बहुत टाइम से पंडित जी आ रहे हैं ऑलरेडी, पूजा वगैरह जिनसे हम करवा रहे हैं, तो वो आए थे और उन्होंने एक तरीके से भविष्यवाणी करी थी। मम्मी को ही कहा था कि माता जी आपके तो गाड़ी के वो बन रहे हैं। मम्मी ने कहा ऐसा तो कोई घर पर जिक्र है नहीं कि गाड़ी निकालने का कोई बात चल रही है, तो फिर मैं तो था नहीं घर पे। पंडित जी ने कहा कि नहीं शिव भैया के योग बन रहे हैं गाड़ी पे। हाँ मुझे पता नहीं अब बाद बात तो हो गई ना, मेरे से कुछ जिक्र कर रहा ना वर्ष जिक्र कर रहा कुछ भी ऐसे। हाँ तो भाई अब उसके बाद हुआ क्या कि सडनली न्यूज़ आई अप्रैल से गाड़ियों की प्राइसिंग हाइक होने वाली है। तो वर्षा और मेरा प्लान बना कि यार गाड़ी देख के आ लेते हैं एक बार, अगर कोई अच्छी डील मिली तो हम ले लेंगे गाड़ी। तो हम लोग गए टाटा के शोरूम, वहाँ पे हमने चार पांच गाड़ियाँ देखी जिसमें हमने देखी हमने जिसमें हमने टाटा टियागो देखी, टिगोर देखी, पंच देखी और महिंद्रा की भी देखी एक दो गाड़ियाँ। और हमें जो सही लगी अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वो ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख ली कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं। थोड़ी देर में डिलीवरी मिलेगी तो आपको भी पता चल जाएगा। तो जैसी हमें गाड़ी पसंद आई हमने कहा कि यार एक बार मम्मी को भी लेके आते हैं, मम्मी को भी दिखाते हैं कि कैसी गाड़ी है। फिर हम एक बार मम्मी को लेके आए, मम्मी ने भी देखी गाड़ी, अच्छे से चेक करी कि मज़ा आ रहा है, कंफर्टेबल है, सीट्स भी अच्छी हैं, लुक भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, तो इसे बुक कर ली जाए। तो हमने दो या तीन दिन पहले बुक करी यहाँ पे। हार्डली हमारा विदिन अ वीक सारी चीज़ें सारी चीज़ें डन होती गई। और पता नहीं बस देवी माँ की कृपा से, गुरु जी की कृपा से सारी चीज़ें एकदम होती गई, डन हो गई सारी। और फाइनली आज डिलीवरी मिल रही है गाड़ी की, बड़ा एक्साइटमेंट है और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात और, आज डिलीवरी की डेट है और आज यहाँ पे देखो क्या संयोग बैठे कि भंडारा भी चल रहा है और सुबह पूजा भी हुई है। हम तिलक ऑलरेडी आपने देख लिया होगा माथे पे सबके, हम पूजा में भी थे मौजूद और अब भंडारे का प्रसाद भी खाएंगे और अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेके घर जाएंगे। तो अभी हमने जब शोरूम में एंटर किया था आज हमें ये वाला कलर गाड़ी का बहुत अच्छा लग रहा, और जब हम देखने आए थे तो हमें वाइट कलर अच्छा लग रहा था क्योंकि उस दिन यहाँ वाइट कलर खड़ी थी। तो वाइट लाइट्स में बहुत ही ग्लॉसी सा और ग्लो हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वर्षा और मम्मी को पसंद आया वाइट कलर। देखो मुझे कलर का कोई चॉइस नहीं है, मैं तो अंदर बैठ के चलानी है। तो हम भी तो अंदर ही बैठे हैं, कोई हम बाहर ऊपर थोड़ा बैठे हैं। वर्षा आपको पता ना फीमेल्स का रहता है, वुमन वुमन उन्हें कलर्स का रहता है कि ये कलर चाहिए भाई वो कलर चाहिए। वैसे ये यहीं खड़ा हुआ शाइन कर रहा है, अदरवाइज जब ये बाहर निकलेगा ना ये कलर लग्जरी गाड़ीज में अच्छा लगेगा, जैसे ऑडी है लगेगा तो इसमें भी अच्छा। पर पता नहीं हमने जितने भी ये वाले कलर देखे एसयूवी में वाइट कलर अच्छा लगता है, ब्लैक कलर अच्छा लगता है। जैसे देख हैरियर खड़ी कितनी एसयूवी है, ये तो अलग ही खड़ी भाई, वैसे अलग अलग अच्छा लग रहा है। हां तो ये ले सारे ले एक एक कलर इंडिया में जैसे गर्मी पड़े ना बहुत तेज धूप हो ये कलर उतर जाएंगे तो पता भी नहीं चलते, यही खुद गर्मी में आ जाओ बेचारे और क्या कलर करते हुए देर वाइट वाला नहीं होने का, वाइट वाला नहीं होने का। मम्मी कह रही कि और अगर होगा भी तो हम नील दे देंगे उसमें। जैसे बनियान की सफेदी जाती है ना, तो उसमें अगर नील दे देते हैं तो उसकी सफेदी वापस आ जाती है। ऐसी मम्मी कह रही कि हम नील दे देंगे उसमें, बढ़िया रखेंगे हम उसे वाइट वाली को, ठीक है। ये देखो चल रहा भंडारे का खाना साइड में है, कैसी मौत दुआई आज, मजा आ गया। भंडारे का प्रसाद भी मिल गया आज इन्हें है कि नहीं, सब कुछ है सामान और पेट भर गया है, अपना घर जाके सोना, खाना तो हो गया अपना है ना। ये टाटा मोटर्स के सौजन्य से भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है भंडारा।
तो भाई ये गाड़ी हो चुकी है अपनी तैयार और ये मम्मी और वर्षा लग रही हैं सतिया बनाने यहाँ पे। तो ये कलर फाइनली हमने चूज किया है, वाइट सा डिसेंट सा। बाकी अंदर इसमें जो जो सिस्टम है इसकी डिटेल रिव्यू और डिटेल वीडियो थोड़े टाइम बाद आएगी चैनल पे, अभी फिलहाल के लिए बस डिलीवरी लेने आए हैं। और ये इधर एक और जना दिखा है आपको, ये है अक्षय, अक्षय भी आ चुका डिलीवरी के वक्त। और ये बन गया सत्या। तो वर्षा हैप्पी? ये वर्षा अभी भी कंफ्यूज है। वर्षा कंफ्यूज किस चीज को लेके है? तो ये बन गया सत्या। ये टाटा मोटर्स की तरफ से बहुत प्यारा सा शानदार सा केक, और ये पूरी टाटा मोटर्स की टीम, ये सूर्य भैया जिनकी बदौलत ये गाड़ी पॉसिबल हो पाई है, बहुत ही अच्छी डील दिलवाई है उन्होंने। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और ये दीदी का नाम नहीं जानता मैं, टिम्पल नाम है, और आपका महक, इनमें से बहुत अच्छी महक आती है, टिम्पल पढ़ते हैं इनको। और ये सूर्य भैया है, सूर्य का प्रकाश है ऊपर। और ये भैया नाम क्या आपका? गोविंद शर्मा। ये गोविंद शर्मा जी हैं, ये भी मेरठ से हैं, अपने ससुराल ही हैं सारे, और ये भी मेरठ से हैं। ये डील वर्षा ने दिलवाई है इनके थ्रू। तो चलो भाई केक काटते हैं। तो ये हो चुका अच्छा सा केक कटिंग। जयकार आए शेरो वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, बोल गुरु महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। चले चलो जय हो श्री जय हो जय हो। भाई कैसा लग रहा पूजा करके? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा, अद्भुत। जय श्री राम। हाँ जी जय श्री राम। मुझे कॉन्फिडेंस से चलाते हैं। सही बात है, भगवान का बहुत शुक्रिया। सही बात है। गाड़ी लेके हम लोग घर आ चुके हैं, पूजन पूजन मस्त एकदम बहुत बढ़िया से और अच्छे से किया है पंडित जी ने, ये आपने व्लॉग में ऑलरेडी देख लिया होगा। और आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग्स के बदौलत आज भाई नई गाड़ी आ गई हमारे घर पे भी फाइनली। नीदरलैंड्स में ऑलरेडी एक नई गाड़ी है, तो अब दो दो गाड़ियां हो गई घर में, है कि नहीं? तो मम्मी भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड था, वर्षा भी और अक्षय भी। मैं वाला बाइक करके गया हूँ स्पेशल डिलीवरी लेने के लिए। सही बात है, नहीं तो अगर अक्षय की गाड़ी से जाते तो अक्षय उस गाड़ी से वापस आता, हम अपनी से। सही बात है, तो अक्षय ने भी ड्राइव करी वैसे गाड़ी और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। वर्षा वाला स्टाइल ये।
सबके एक्साइटमेंट के चक्कर में एक स्कैम भी हुआ है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जो पेट्रोल पंप पे हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि वो अच्छे से वाकिफ थे। हाँ, कि टंकी वो मीटर जो है वो जीरो नहीं करते और पेट्रोल भर देते हैं। ये आज हम शिकार हुए और हमारे पास कोई सबूत नहीं था प्रूव करने के लिए, लेकिन हमें पता है कि हम शिकार हुए हैं। और मतलब हम चारों का ही बेवकूफ बना है, ऐसा भी नहीं कि एक अकेला कोई गया पेट्रोल भरवाने। सही बात है, चारों को ही चकमा दे दिया, चारों लोगों को चकमा दिया। मुझे लगा लिया पर्ची पे साइन करने में, इनको बोल दिया कि सर पेट्रोल गाड़ी है, शीशा बंद कर लीजिए क्योंकि फ्यूल भरवाते हुए शीशा नीचे नहीं करना चाहिए। और अक्षय के पास बहुत टाइम से ऑलरेडी पेट्रोल गाड़ी है, बताया यार इतना तगड़ा स्कैम हुआ। मैं पेट्रोल पंप का क्या ही करूं यार, क्या ही कर सकते हैं। तीन लीटर का उन्होंने हमें चीट किया, 300 रुपए का चुना। लेकिन सब याद रखो, हाँ सही बात है, स्पेशली नई गाड़ी की डिलीवरी लेते हुए जो पेट्रोल पंप पे ध्यान से रहो। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चैनल का अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर एक बहुत जल्द एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।